आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साइन न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में रविवार 20 सितंबर 2020 को आपका स्वागत है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं सबकी पसंद, सुबह हो, दोपहर हो, शाम हो या रात, सबकी पसंद पार्ले जी। पार्ले जी का नाम बहुत आपने सुन रखा होगा। पार्ले जी का ये देखा जाए तो पार्ले जी का एक विज्ञापन या उस तरीके का की रिपोर्ट नहीं है। दरअसल हम आपको बताना चाह रहे हैं कि पार्ले जी का उदय कहां से हुआ, पार्ले जी कैसे अस्तित्व में आई, पार्ले जी कंपनी, पार्ले जी जो है उसके 1929 में पार्ले जी की कंपनी आरंभ हुई थी। जब ये कंपनी आरंभ हुई थी तो इस कंपनी में सिर्फ ऑरेंज कैंडियाँ और किसमी टॉफ़ी बना करती थी। कंपनी ने 75,000 रुपये में उस दौरान 1929 में एक फैक्ट्री को खरीदा और जर्मनी से मशीनें बनाकर बिस्किट्स का उत्पादन आरंभ किया। समय के साथ कंपनी ने बिस्किट का नाम गुलको से पार्ले जी कर दिया। 1996 से 2006 तक यानी लगभग एक दशक में इस कंपनी ने अपनी कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया। आज मुंबई में सबसे भीड़ भाड़ वाले उपनगरीय इलाके में विले पार्ले का नाम सबसे पहले आपके जहन में आता होगा। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के मुंबई ब्यूरो से अतुल खरे की यह रिपोर्ट है। 1929 में उस दौरान यहाँ कुछ भी अस्तित्व में नहीं था। उस वक्त यहाँ पर सिर्फ इरला और परला नाम के दो गांव हुआ करते थे। उसी साल 1929 में चौहान परिवार ने पहली भारतीय बिस्किट कंपनी पार्ले की शुरुआत की। उस वक्त कंपनी की फैक्ट्री सिर्फ 1.5 एकड़ की जमीन में बनी थी। उसमें भी 40x60 फीट का एक टीन शेड हुआ करता था। 1929 में जब भारत ब्रिटिश शासन के अधीन था और देश में स्वदेशी आंदोलन बहुत तेज गति से चल रहा था, स्वदेशी आंदोलन की बहुत ज़बरदस्त मांग हुआ करती थी। कंपनी के संस्थापक चौहान के द्वारा स्वदेशी आंदोलन से वे बहुत प्रभावित थे और उनका टेक्सटाइल का बिजनेस हुआ करता था। टेक्सटाइल के बिजनेस के साथ ही उनके द्वारा बिस्किट के बिजनेस में उतारा गया। पार्ले प्रोडक्ट्स के कैटेगरी हेड कृष्णा राव ने बताया कि 1929 में जब कंपनी शुरू हुई तो यहाँ सिर्फ ऑरेंज कैंडियाँ और किसमी टॉफ़ी बना करती थी। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के मुंबई ब्यूरो से अतुल खरे की ये रिपोर्ट है। कंपनी ने 75,000 रुपये में एक फैक्ट्री को खरीदा और जर्मनी से मशीनें बनवा कर बिस्किट का उत्पादन शुरू किया। 1939 में इस कंपनी ने बिस्किट बनाने की शुरुआत की और तब इन्हें पार्ले गुलको बिस्किट कहा जाता था। फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में राष्ट्रीय एवं प्रादेशिक ऑडियो बुलेटिन हिंदी एवं अंग्रेजी भाषा में रोजाना प्रसारित हो रहे हैं। इसके अलावा मौसम का पूर्वानुमान भी देखना ना भूलिए। ब्रेक के बाद समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में एक बार फिर आपका स्वागत है। मुंबई से अतुल खरे की ये रिपोर्ट है समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज के लिए। तो हम आपको बता रहे हैं कि पार्ले प्रोडक्ट्स के कैटेगरी हेड कृष्णा राव ने जो जानकारी दी, उन दिनों कम आपूर्ति की वजह से शुरुआत में बिस्किट गेहूं के बजाय जौ से बनाया जाता था। उसमें वैक्स में डुबोई रखकर अखबार हुआ करते थे उसे वैक्स में डुबोकर रखा जाता था और उसमें लपेटा जाता था। कंपनी ने बिस्किट की बेकिंग और पैकेजिंग के लिए अपनी मशीन बनाई। वक्त के साथ कंपनी ने बिस्किट का नाम ग्लूकोज से बदलकर पार्ले जी कर दिया। ग्लूकोज का कॉपीराइट उनके पास नहीं था इसलिए पार्ले जी उनके द्वारा नाम किया गया। 1996 से 2006 तक एक दशक में कंपनी के द्वारा कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया। इसके रॉ मटेरियल जैसे आटा, दूध, चीनी आदि की कीमत लगभग 150% बढ़ने के बाद भी कंपनी ने इसकी कीमतें नहीं बढ़ाई। 2013 में पार्ले जी ने 5,000 करोड़ की बिक्री करने का पहला FMCG प्रोडक्ट अपने आप को बना लिया। अब GST दरें लागू होने के बाद
पार्ले बिस्किट का उत्पादन घटाने के बारे में सोच रही, क्योंकि अब कन्फेक्शनरी पर 18% टैक्स लगाया जा रहा है, जो इससे पहले 12-14% था। अपने फ्यूचर प्लान के हिसाब से कंपनी सूत्रों का कहना है कि कन्फेक्शनरी का कारोबार 1,000 करोड़ के आसपास का है और यह 12% की ग्रोथ के साथ आगे बढ़ रहा है। इससे इसके 20% तक आगे बढ़ने की उम्मीद सूत्रों के द्वारा जताई गई है। हम आपको जो जानकारी दे रहे हैं, हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से पार्ले की शुरुआत हुई, पार्ले के द्वारा किस तरह से बिस्किट बनाने के काम को चालू किया गया। पार्ले का नाम उन तमाम भारतीय अन्य प्रोडक्ट्स के रूप में, जैसे स्कूटर में बजाज और कार में मारुति, लोगों की दिलो दिमाग पर रची बसी थी, इसी तरह पार्ले का नाम भी लोगों के दिमाग पर रचा बसा लगातार रहा। भारत में सबसे बड़ी और चर्चित बिस्किट की फैक्ट्री 2016 में 87 साल काम करने के बाद विले पार्ले में बंद भी करने की बात इसमें सामने आई थी। कंपनी ने विले पार्ले इलाके के नाम पर ही इसका नाम चुना था। इसे पार्ले जी अर्थात जीनियस भी लोग कहते हैं, जी से जीनियस का तात्पर्य भी लगाते हैं कि अगर जो पार्ले का बिस्किट खाएगा वो जीनियस हो जाएगा। इसके अलावा पार्ले जी अर्थात जी का तात्पर्य ग्लूकोज से भी लगाया जाता है। विले पार्ले इलाके के लिए लैंडमार्क ये फैक्ट्री बन चुकी है। एक बीते साल कम उत्पादन होने के चलते प्रबंधन ने यहाँ की फैक्ट्री को बंद करने का फैसला भी लिया है। पार्ले जी की वेबसाइट के अनुसार कंपनी की भारत में के बिस्किट मार्केट में 40% और कन्फेक्शनरी में 15% हिस्सेदारी है। पार्ले जी बिस्किट के अलावा कंपनी ने कई और चर्चित उत्पाद फ्रूटी सॉफ्ट ड्रिंक, मैंगो बाइट, मोनोको और हाइड एंड सीक जैसे अनेक प्रोडक्ट भी लॉन्च किए हैं। पार्ले जी के बारे में हम आपको सारी जानकारियां दे रहे हैं किस तरीके से पार्ले जी की फैक्ट्री यहां पर स्थापित हुई। पार्ले जी के जो फैक्ट्री के मालिक हैं, जिन्होंने इस फैक्ट्री को आरंभ कराया, वे उनका मूलतः टेक्सटाइल का बिजनेस था और टेक्सटाइल का बिजनेस होने के साथ ही वे जब विदेश में गए तो उन्होंने विदेश में कैंडी बनाने की, जो टॉफियां बनाने की मशीनें देखी और वो मशीनें जर्मनी जब वे गए थे वहाँ से उन्होंने खरीदी। वहाँ से खरीद के वे इन मशीनों को लेकर भारत आए। जब वे भारत आए तो मुंबई उस समय बहुत ज़्यादा आबाद नहीं हुआ करता था। मुंबई आज का जो मुंबई है, चूँकि रूपाले पर्दे की दुनिया है, बॉलीवुड मुंबई में है, इसके चलते जैसे अगर संसद को और केंद्र सरकार के कार्यालयों को आप दिल्ली से अगर हटा लेते हैं तो दिल्ली में जो रौनक है दिल्ली की ख़त्म हो जाएगी, ऐसे ही मुंबई की रौनक मुंबई के बॉलीवुड के कारण है। मुंबई में रूपाले पर्दे की जो दुनिया है उसके कारण वहाँ आज़ादी के बाद लोगों का रुझान मुंबई के प्रति बढ़ा। मुंबई के विले पार्ले स्थित छोटा सा गांव हुआ करता था, उस गांव में 75,000 रुपये में एक ज़मीन खरीदी चौहान परिवार के द्वारा और यहां पर पार्ले जी का उत्पादन आरंभ उनके द्वारा कराया गया। पार्ले पहले ग्लूको के नाम से बिस्किट आया करते थे, बाद में पार्ले जी इसका नामकरण किया गया। पार्ले के आपने जो पैकेट देखा होगा, पैकेट के ऊपर एक छोटी सी बच्ची का फोटो, सालों से दशकों से लोग देख रहे हैं, प्रौढ़ हो रही पीढ़ी आज भी देख रही होगी ये आपको जो हम दिखा रहे हैं ये फोटो, छोटी सी बच्ची। इस बच्ची के बारे में भी कई तरह की किंवदंतियां हैं। अनेक बार किसी महिला का चेहरा दिखाकर ये बताया जाता है कि बच्ची ये जो फोटो है उस महिला की फोटो है। ये भी कहा जाता है कि ये जो बच्ची है इस बच्ची को किसी एक डिज़ाइनर के द्वारा, एक आर्टिस्ट के द्वारा पेंट करके बनाया गया था। सच्चाई क्या है इस बारे में तो समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया दावा नहीं करती है, पर पार्ले घरों घर लोगों की पसंद, लोगों का के दिलों पर राज कर रही है पार्ले कंपनी, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है।
मुंबई में 1929 से ये कंपनी आरंभ हुई और वहाँ से लगातार इस कंपनी का सफ़र आगे बढ़ता रहा। इस कंपनी की एक खासियत ज़रूर देखने को मिलती है और वो खासियत ये मानी जा सकती है कि इस कंपनी में स्वाद, आपको आज से चार दशक पहले जो स्वाद मिला करता था वही स्वाद आज भी मिलता है। बिस्किट अर्थात पार्ले जी एक पहचान बन चुकी है। बिस्किट, अगर बिस्किट कहा जाए तो पार्ले जी की आपके जहन में आएगा। जैसे अगर आपको कुछ साल पहले, अगर दो तीन दशक पहले आप जाएंगे तो ब्रेड जो हुआ करती थी, ब्रेड को ब्रेड नहीं कहा जाता था। महाकौशल अंचल में पॉपुलर ब्रेड आया करती थी, तो लोग अगर घर में ये कहना होता था कि ब्रेड लेके आ जाएं तो ये कहते थे पॉपुलर लेके आ जाया जाए। पॉपुलर अर्थात ब्रेड ही माना जाता था उसको। ब्रेड का जैसे ब्रांडिंग, एक पॉपुलर की ब्रांडिंग थी पॉपुलर ब्रेड की, ऐसे बिस्किट के नाम अगर आपके दिमाग में आता है, जहन में अगर आप बिस्किट कहेंगे तो बिस्किट मतलब सबसे पहले पार्ले जी ही आएगा। फिलहाल हम आपसे इजाज़त लेना चाहेंगे, हम फिर हाजिर होंगे। अतुल खरे की ये रिपोर्ट है, नमस्कार। आइए हम आपको आज बताते हैं कि किस तरह से आपको लिमटी की लालटेन समाचार एजेंसी इंडिया या साई न्यूज़ को सब्सक्राइब करना है। आपके पास यूट्यूब होगा, आप यूट्यूब खोलिए। यूट्यूब में आप सर्च बटन पर ऊपर जाइए, ऊपर सर्च बटन पर आप टाइप करिए LIMTY स्पेस दीजिए KHARE, इसके बाद आप एंटर दबाइए। जैसे ही आप एंटर दबाते हैं तो ये पेज खुल जाएगा। यहाँ पेज में आप देखिएगा, ये इस तरीके का नज़ारा आपको दिखेगा। इसके साथ ही आप यहाँ देखिए LIMTY KHARE आपको लिखा दिख रहा है। इसके बाजू में आप राइट साइड में देखिएगा, यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है। ये सब्सक्राइब बटन अभी लाल रंग का दिख रहा है, सब्सक्राइब बटन को आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप ये सब्सक्राइब बटन को क्लिक करेंगे, आप देखिए इसका रंग लाल नहीं रह जाएगा। ये आपने सब्सक्राइब की जगह सब्सक्राइब्ड लिखा आ गया, आपने इसको सब्सक्राइब कर लिया है, पर अभी आपका काम पूरा नहीं हुआ है। अभी आपको इसके बाजू में आप देखिए एक घंटी का बटन आपको दिख रहा है, ये घंटी का बटन आपको दिख रहा है। ये घंटी का बटन आप इसको, अगर घंटी के बटन को प्रेस करेंगे तो तीन ऑप्शन आते हैं, ऑल, पर्सनलाइज्ड और नन। तो इसमें आपको ऑल बटन को पुश करना है। आप जैसे ही आप देखिएगा, ये ऑल बटन पुश करते हैं, ये हाईलाइटेड हो जाती है घंटी। इसके बाद जितने भी समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया पर वीडियोस डलेंगे, ये सारे के सारे वीडियोस आपको तुरंत देखने दिख जाएंगे, देखने को मिल जाएंगे। ये आप, हम आपको जो दिखा रहे हैं किस तरीके से आपको समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया को की चैनल को सब्सक्राइब करना है, ये पर्सनलाइज, और उसके बाद सब्सक्राइब बटन दबाइए लाल के बाद, वो लाल रंग नहीं रह जाएगा। इसके बाद आप कर दीजिए घंटी का बटन, और घंटी का बटन पुश करके ऑल कर दीजिएगा। अब अगर आप लिमटी खरे पे जाके उसको पुश करते हैं तो आप देखिएगा यहाँ पर होम, वीडियोस, चैनल्स, सब कुछ आपको दिखे। ये वीडियोस अगर आप देखेंगे तो जितने भी नए पुराने वीडियोस हैं वो सारे के सारे वीडियो आपको देखने को मिल जाएंगे। जो भी वीडियो आप देखना चाहें, पुराने से पुराने लगभग 1500 के लगभग वीडियो अभी तक समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के चैनल में डल चुके हैं। अगर आप कोई पुराना वीडियो देखना चाहते हैं तो आप पुराना वीडियो भी देख सकते हैं, और फिलहाल के जो वीडियोस हैं वो आपको, अगर आप ऊपर देखेंगे तो ऊपर आपको नए वीडियोस देखने को मिल जाएंगे। जैसे उदाहरण के लिए आप, अगर मान लीजिए आपको ये देखना है, कोई भी वीडियो जो आपको देखना है हम आपको दिखाते हैं। एक आपको उदाहरण, जैसे बैरूत में ये देखिए यहाँ पर धमाके हुए थे, तो बैरूत के धमाकों को अगर आपको देखना है तो आप उस पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो ये देखिए ये खुलेगा। इसके बाद ऐड दिखेगा, ऐड को अगर आप देखिए, विज्ञापन आपको दिखते हैं, इन विज्ञापनों को अगर आपको नहीं देखना है तो स्किप ऐड जैसे ही आए तो आप स्किप ऐड कर दीजिए, और उसके बाद फिर वापस जाना है तो ये लिमटी खरे को आप क्लिक करेंगे तो फिर वापस चले जाएंगे। इसमें अगर हम आपको दिखाते हैं, अब प्लेलिस्ट अगर आप देखते हैं तो प्लेलिस्ट में साई न्यूज़, वीडियो न्यूज़, कार्टून्स, ऑडियो न्यूज़, लिमटी की लालटेन, स्पेशल रिपोर्ट्स, सिटीजन रिपोर्टिंग, सब कुछ आपको इसके अंदर मिलता है। एक ही चैनल के अंदर सारी चीज़ें, सारी विशेषताएं इसके अंदर आपको मिलती हैं। होम में जाएंगे तो आपको नए चार पांच वीडियोस, वीडियोस में जाएंगे तो पुराने सारे वीडियोस मिल जाएंगे। इस तरह आप समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप भी करिए, सभी को कराइए।